नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में और दोस्तों में। तो दोस्तों, जनसत्ता का एडिटोरियल के बारे में आज हम यहाँ पे विचार विमर्श करेंगे और आज का टॉपिक बहुत ही स्पेशल होने वाला है। और मैं स्पेशली जो लेडी हैं, जो लेडीज़ हैं, जो महिलाएं हैं, उनसे मैं बोलूँगा कि इस कंटेंट को पढ़ने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद, जो भी आपकी महिला मित्र होगी या फिर जो भी कुछ घटनाएं ऐसी होंगी जो आपके माइंड में होगा, तो आप उनके लिए स्टैंड करिएगा, उन्हें जागरूक करिएगा और अपना भी स्टैंड लीजिएगा। क्योंकि कई सारे परिवार में मैंने देखा है कि जो उनके घर लड़कियां हैं, उनको प्रिविलेज कब मिलता है, शिक्षा के नाम पर किस प्रकार से उन्हें अरे गरे किसी भी विद्यालय में एडमिशन दे दिया जाता है, जिस तरह से वहाँ पर लड़कों को प्राथमिकता दी जाती है, महिलाओं को नहीं दी जाती है। तो ये कहीं ना कहीं कंडेम का विषय है। और ऐसे में क्या है, महिलाएं जो हैं कम उम्र में उनकी शादियां हो जाती हैं, उसके बाद तमाम तरह की प्रक्रियाएं चालू हो जाती हैं, तो वो कहीं ना कहीं ज़िंदगी भर जो बनना चाहती हैं ना, उनके लिए एक सीमित समय दिया जाता है कि अगर तुम इतने समय में बन गई तो ठीक है, अन्यथा चलो अब शादी ब्याह करके परिवार वाले अपनी जिम्मेदारियों से छुटकारा पा लेते हैं। तो चलते हैं, आज हम बात करेंगे, ज्योति सिडाना जी ने लिखा है इसे, महिला सबलीकरण की हकीकत। तो उस हकीकत को आज हम जानेंगे। सबल का मतलब सक्षम होता है, जिस तरह से आज महिला सशक्तिकरण ही समझ लीजिए, जो महिलाएं सबल हैं, सक्षम हैं, उनके बारे में यहाँ पे बात होगी और किन किन चुनौतियों का वो सामना करके आगे बढ़ी है उसके बारे में देखेंगे। हमारे समाज में पुरुष सत्ता के मूल्यों के आधार पर महिलाओं का समाजीकरण कुछ इस तरह से किया जा रहा है कि महिला के अस्तित्व को पुरुष से अलग करके देखा ही नहीं जाता। ये वास्तविकता है, मतलब महिला अकेले कुछ नहीं कर सकती, महिला अकेले कहीं जा नहीं सकती। एक जो गोल है, जो उसका उद्देश्य है, वो तब तक अचीव नहीं कर सकती जब तक कोई पुरुष उससे ना जुड़े। तो एक तरह से ये सामाजिक कलंक ही है महिलाओं के लिए। और जिस तरह से उपेक्षा का शिकार होना पड़ता है महिलाओं को तमाम जगहों पे जहाँ पर नहीं होना चाहिए। महिलाओं के जीवन से जुड़ा हर निर्णय पुरुष सत्ता ही तय करती आई है। यह भी एक तथ्य कि लिंग के आधार पर श्रम का विभाजन लैंगिक भेदभाव का ही एक उदाहरण है। इसी प्रकार पितृसत्तात्मक समाज में स्त्री की यौन संबंधी कार्य भी पुरुषों की मर्जी से निर्धारित होते रहे हैं। कुछ नारीवादी विचारक मानते हैं कि स्वतंत्र प्रजनन और यौन कर्म के लिए शोषण को खत्म करना जरूरी है। यह तभी हो सकता है जब पूंजीवादी व्यवस्था और पितृसत्ता का अंत हो। तो दोस्तों, कई चीज़ें हुई हैं, बदलाव जो संविधान के माध्यम से, मैं उसके लिए शुक्रगुजार करता हूँ, देश के संविधान, देश के कह सकते हैं जो न्यायपालिका है, जहाँ पे कहा गया कि यदि एक स्त्री चाहे तो अपने पिता, चाहे उसके 10 भाई हों, चाहे एक को भाई नहीं हो, एक भाई नहीं होगा फिर भी तो पहले दिया ही जाता था, अगर 4-5 भाई हो, अगर स्त्री चाह दे तो जितना अधिकार, जितना हिस्सेदारी उन भाइयों की है, उतना हिस्सेदारी अधिकार उस संपत्ति में उस स्त्री का भी होगा। पर दोस्तों, सबसे पहले हमें एक जो नज़रिया है, जो एक मानसिकता बन चुकी है हमारे समाज में महिलाओं को लेकर, जिस प्रकार से उनके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस किया जाता है, क्या ये जो पुरुष प्रधान समाज है और बनता चला जा रहा है, इससे कहीं ना कहीं नहीं लगती है जो महिलाओं का सम्मान है? क्योंकि हमारे ग्रंथों में, हमारे धार्मिक पुस्तकों में जिस तरह से देवी का दर्जा दिया गया है, सबसे पवित्र स्त्रियों को माना गया है, पर समाज में आप जिस तरह से देख रहे हैं, आए दिन इनसिक्योरिटीज़ बढ़ रही हैं महिलाओं को लेकर, तमाम जगहों रेप, तमाम जगहों पर जघन्य अपराध महिलाओं से रिलेटेड, तो ये चीज़ें रुकनी चाहिए। इसके लिए सबसे पहले अपनी मानसिकता बनानी पड़ेगी और मानसिकता के लिए परिवार को ही आगे आना पड़ेगा। जो बच्चे का जब शुरू से जब विकास होना है, तो उसमें पूरी तरह से अपनी सहभागिता प्रकट करिए। एक महिला को किस नज़र से देखा जाए, पहले छोटे से बच्चों को समझाया जाए उस बात को कि ये आपकी बहन माँ के समान ही है, अन्य औरतें, अन्य महिलाएँ, तब जाके उसका दृष्टिकोण, मानसिकता बदलेगी। अन्यथा दोस्तों, लोग बस अपनी बहन, अपनी माँ को ही पहचानते हैं और समाज में जब जाते हैं, देखते हैं ना आप गली नुक्कड़ चौराहे पे जिस तरह से एक लड़की को अभद्र तरीके से देखा जाता है, अश्लील प्रतिक्रियाएं दी जाती हैं,
इशारे किए जाते हैं। इससे कहीं ना कहीं जो पिता है वो भी दुखी होता है, इसीलिए वो अपनी जिम्मेदारियों से सोचता है कि शादी विवाह करके मैं हट जाऊं अपनी जिम्मेदारी को देकर किसी और को। तो ये जो समाज का हम लोग निर्माण कर रहे हैं ना, ये भी कहीं ना कहीं हमारे विकास में बाधा ही बना हुआ है। विदेशों में चले जाएं, वहाँ पे स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ यूरोप में जितने भी देश हैं, वहाँ पे देखिए कितनी स्वतंत्रताएं दी गई हैं महिलाओं को। महिला और पुरुष में इतना भेद नहीं है जितना भारत जैसे देश में है। आप उन्हें स्वतंत्रता तो दिए हैं, पर दोस्तों कहीं ना कहीं एक परिवार एक आदमी तक निर्भर रहता है। स्त्री को नियंत्रित करने के लिए पुरुष हमेशा से भय के मनोविज्ञान का प्रयोग करता रहा है। जैसे कभी परिवार की मर्यादा के नाम पर कभी उसे शारीरिक और बौद्धिक कमजोरी का यकीन दिलाकर, होता है ना, अरे तुम पुरुषों से कमजोर हो शारीरिक रूप से बौद्धिक रूप से, अरे तुमने ये कर दिया परिवार को, तुमने नाम खराब कर दिया, अरे अरे अब क्या होगा, ये होगा फलाना होगा ये होगा। तो भैया ये बताइए, इतना प्रेशर किसी के ऊपर दबाव डालोगे तो महिला क्या करेगी, घुट के मर जाएगी, वो आगे क्या बनेगी, क्या अचीव करेगी। भाई अपने ऊपर लेके देखिए ना, आपके पिताजी आपके परिवार कोई सदस्य बार बार कोई प्रेशर डाले, परिवार भी कर रहा है, बगल वाले तुम्हें ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, इतनी परेशानियाँ कोई डाले तो आप तो कैसे जियेंगे, तुम तो गाली गलौज तलवार हथियार उठा लोगे। पर एक महिला को घुट घुट के जीना पड़ता है क्योंकि हमने वो बना दिया। तो यदि आप लोगों के घर में बेटियां हों तो उसे बेटों की तरफ पालिएगा, भेद मत रखिएगा। फिर वो जो करके दिखा, कि जिस दिन अगर एक लड़की के अंदर ये बैठ गई मानसिकता ना कि जो मेरे पिता हैं, जो मेरे संरक्षक हैं, जो मेरा पति है, मुझे मतलब लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करता है, जो मेरा संरक्षक है, तो देखना उस लड़की का गुमान क्या रहेगा, मतलब आग लगा देगी। तो ये ज़रूर करिएगा आप लोग, फिर देखिएगा अच्छे अच्छे लोगों की हालत ख़राब हो जाएगी, ठीक है, ये महसूस करिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जो समाज चलता आ रहा है ना उसे बदल कोई सकता है तो हम और आप। शिक्षा का मतलब यही होता है, ठीक है। अब औरतें वो नहीं रह गई कि आप जंगलों में जाके बेड़ियों में बांध के रखेंगे, कम उम्र में शादियां कर देंगे, ठीक है। मासिक धर्म के समय उसकी पवित्रता को संदेहास्पद मानकर कुछ बेवकूफ लोग थे, मैं उसका विरोध भी करता हूँ। केरल में अप्पा जो मंदिर है वहाँ पे क्या कहा जाता था, क्यों मतलब इतने से इतने साल जिन दौरान स्त्रियों में जो है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है, मासिक धर्म जब स्टार्ट होता है और जब खत्म होता है, इस बीच के दौरान की जो उम्र है वो मंदिर में प्रवेश नहीं करेंगी उस उम्र की औरतें महिलाएं, और उसके बाद और पहले की महिलाएं प्रवेश कर सकती हैं। सबसे पहले बता दें कि एक महिला जो महाराणा प्रताप, शिवाजी, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, ऐसे तमाम वीर योद्धा को पैदा की है, और आप आज उसे पवित्र और अपवित्र के नाम पे सवाल और कटघरे के घेरे में खड़ा कर रहे हैं, इससे क्या पूरी नारी जाति को आप अपमानित कर रहे हैं। तो ऐसे दुष्टों को बोलने दीजिए, ऐसे तमाम तरह के मूर्ख हैं जिनको अपने अस्तित्व के बारे में ही नहीं पता है, वो दो चार लाइनें इधर उधर से ज्ञान के नाम पर अर्जित कर ली वही सब बोलते हैं। उनको क्या पता कि फर्टिलिटी क्या होती है, उनको क्या पता, छोड़िए वो सब। पति की सेवा को उसका धर्म और जन्म मरण से मुक्ति का मार्ग बताकर, या फिर संतान उत्पन्न न होने पर उसे मोक्ष न मिलने का तर्क देकर स्त्री को सदाधीन बनाए रखता है। थोड़ा सा मैं इतिहास में जाना चाहता हूँ, इतिहास के माध्यम से आप लोगों को भी कुछ बताना चाहता हूँ। आपको याद होगा वो दौर भी जब एक महिला को, जब उसका पति मर जाता था किन्हीं भी कारणों की वजह से, 1 साल में 2 साल में 2 दिन में 6 महीने में, तो सती प्रथा जैसा उन्होंने एक स्कीम निकाला और पति के चिता पे उसको भी बांध देते थे जिंदा, वो भी तैयार वार करके बढ़िया से। जैसे जब एक महिला अपने पति के घर जाती है सस सबर कर, वैसे ही तैयार करके। और ये सबसे ज़्यादा जो कुरीतियाँ थी ना ये बड़े लोगों में थी, जो अपने आप को छत्री कह रहे हैं ना, छत्रियों में थी, ब्राह्मणों में थी, ये सबसे ज़्यादा कुरीतियाँ थी। आप इतिहास उठा के देखिएगा, पढ़िएगा। तो ये मानसिकता पूरी तरह से गलत है। आप विरोध करते हैं 3 तलाक का, कि नहीं मुसलमानों में 1500 साल पुरानी जो कुरीति थी
गलत प्रथाएं थीं कि एक महिला को किस प्रकार से तलाक तलाक कह देने से उसका जीवन बर्बाद कर देना था, फिर हलाला जैसे कामों के माध्यम से उसका शोषण किया जा रहा था मौलवियों के द्वारा, फलाने के द्वारा। तो भैया धर्म के नाम पे नहीं, हर धर्म में हर जाति में कोई ना कोई बुराई है, और जो आवाज़ उठाता है वही असलम मर्द है, वही सच्चे में उस समाज को सुधारने के लिए आगे आता है। तो ऐसा काम करिए आप लोग। समाज में इसी स्त्री की अनेक किंवदंतियाँ और पूर्वाग्रह लंबे समय से चले आ रही हैं। विडंबना के शिक्षित और आधुनिक समाज भी आज तक इन रूढ़ियों पर अंकुश नहीं लगा पाया, या कहें कि लगाना ही नहीं चाहता। आज हम बहुत ज़्यादा शिक्षित हो गए, आप हम सब तमाम तरह के लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं लोग नैतिकता से दूर भाग रहे हैं। पढ़ाई के नाम पर बस रोबोट तैयार किए जा रहे हैं, MBA करो, ये BTEC करो, ये सब क्या है, ये रोबोट ही हैं। पहले जो काम कंप्यूटर किया करता था आज वो लड़के बन के कर रहे हैं। ये सब पढ़ाई के माध्यम नैतिकता गायब हो रही है, नैतिकता लोगों के अंदर से गायब हो रही है पूरी तरह से, ठीक है। ऐसा देखते आए हैं कि विवाह के समय लड़की की उम्र लड़के से कम होनी चाहिए। क्यों? शायद कम उम्र की लड़की में परिपक्वता कम होने के कारण उसको नियंत्रित निर्देशित करना तुलनात्मक रूप से सरल होता है और उसका समाजीकरण मनमाने तरीके से किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, जब एक महिला की शादी होती है एक लड़के से तो वहाँ पे लड़की की उम्र कम होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह आप चाहेंगे मनमाने तरीके से उसी तरह महिला आपके साथ रहेगी, जो कहेंगे जिस धारा में बहने लगेगी। अब पत्नी नहीं, ऐसी मानसिकता के लोगों को ना गुलाम चाहिए, जो सीधी भाषा में कहते हैं, मैं आपके सामने बोल दिया। ऐसे में महिला समाजीकरण, उसका सबलीकरण विरोधाभासी नजर आते हैं। अगर महिलाओं का समाजीकरण पुरुष सत्ता के अंतर्गत हुआ है तो उसके सबलीकरण की बात ही बेमानी हो जाती है, अन्यथा महिला आरक्षण को अब तक लोकसभा में स्वीकृति मिल गई होती है। महिला को आरक्षण कौन देगा? आज महिलाएँ ही महिलाओं के अब विरोध कर रही हैं। मैं बता दूँ, हमारे यहाँ एक प्राथमिक विद्यालय है, जो बच्चियां हैं, छोटे बच्चे हैं, उनके लिए स्पेशली और स्पेशली महिलाओं के लिए तमाम तरह के सरकारी योजनाओं के माध्यम से कुछ दिया जाता है। पर एक वहाँ की जो प्रिंसिपल साहिबा है ना, जो भी सरकारी योजना आता है सब चुरा के अपने घर भेजवा देती है, उस छोटी छोटी बच्चियों के बारे में वो नहीं सोचती है। तो कहीं ना कहीं महिला ही महिला के आज खिलाफ है, तो इसलिए आज महिलाओं की स्थिति है। क्या MP नहीं है संसद में, महिलाएँ नहीं हैं कई सारी महिलाएं, क्या महिलाओं का बात नहीं रख सकती? कितनी महिलाएं बात रखी हैं बताइए, क्योंकि कठपुतली हैं, ये अपने आप को समझ नहीं पा रही हैं कि मैं क्या चीज़ हूँ, मैं किस लिए यहाँ पे आई हूँ। महिला सीट जो आरक्षित की गई है संसद में, इसीलिए किया गया है कि आप महिलाओं के लिए कुछ बोलें। आप महिला हैं तो महिलाओं के लिए क्या समस्याएँ हैं, क्या किन चीज़ों की ज़रूरत हो, आप अच्छा जानती हैं पुरुषों से। पर नहीं, कुछ नहीं, जो हो रहा होने दीजिए। क्या महिलाओं का सबलीकरण पुरुष समाज? यह एक ऐसा अनुत्तरित प्रश्न है जिस पर विमर्श करने से भी साध लोग कतराते हैं। महिलाओं के संदर्भ में ऐसे प्रश्न हैं जिन पर विमर्श या सार्वजनिक चर्चा करने की जरूरत सदियों से अनुभव की जाती रही है, पर समाज, राज्य, अकादमिक जगत और बुद्धिजीवी सभी खामोश हैं। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो मैं कह रहा था कि एक यदि आपके परिवार में एक लड़की हो तो उसे आभास मत होने दीजिए का कि महिला होना या लड़की होना इस समाज में मतलब दुयम दर्जे का नागरिक माना जाता है। मैं जब 10th में पढ़ता था तो एक मतलब काफ़ी अच्छा परिवार था, तो उनकी एक बेटी थी। सही में बता रहा हूँ ना, उसी समय कभी महसूस हुआ कि मतलब कहीं ना कहीं कम दिया जाता हो प्रिविलेज इनके परिवार के माध्यम से, कि नहीं ये लड़की है इसलिए इसे कम प्रिविलेज दिया जाएगा, ये लड़का तो ज़्यादा। बल्कि मैं बता दूं, जो उसका भाई था उसे कम प्राथमिकता दी जाती थी, उस लड़की को ज़्यादा। जब हम लोग ग्रेजुएशन में आए ना तो लड़की बुलेट से जाती थी, बुलेट से आती थी और लोग देखते थे, और मतलब ये चीज़ होना चाहिए, भेद नहीं करना चाहिए। फिर जो लड़की कर देगी ना, लड़का कभी नहीं कर पाएगा, याद रखिएगा। किसके परिवार की लड़की है जाके गांजा पी रही है, हाँ बहुत इक्के दुक्के मिलेंगे। मैं सामान्य मध्यम वर्गीय गरीब परिवारों की लड़कियों के बारे में बता दूँ, कौन चरस गांजा ले रहा है, कौन दारू पी रहा है। पर आज चले जाएंगे गांव में, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मिलेंगे, सब कोई बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, दारू पी रहा है,
और महिलाएं बेचारी जरूरत के कामों में लगी हुई हैं, खाना बना रही हैं, घर के देखभाल कर रही हैं, वहाँ के लड़के गाड़ी लिए घूम रहे हैं। इसीलिए आप अधिकार और स्वतंत्रता तो दे कर देखिए महिलाओं को, वो दिशा और दशा ना बदल दें परिवार समाज देश का तो कहिएगा। जब कोई बड़ी घटना हो जाती तो महिला सुरक्षा को लेकर लोगों का गुस्सा कुछ देर के लिए दिखने लगता है, पर कुछ समय बाद वही ढाक के तीन पात नजर आते हैं। लड़कियों को देर रात या सांझ के बाद घर से बाहर अकेले ही नहीं निकलना चाहिए। उन्हें छोटे वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, उन्हें लड़की की बराबरी नहीं करनी चाहिए, उन्हें ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी चाहिए, जोर जोर से नहीं हंसना चाहिए, सड़क चलते लड़कों की फप्ती पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि क्यों किया जाता है महिलाओं का ऐसा समाजीकरण? पशु और स्त्री में क्या कोई फर्क नहीं है? या यह मान लिया जाता है कि स्त्री के पास केवल शरीर होता है, मस्तिष्क नहीं है, केवल भावनात्मक प्राणी है, इसलिए बौद्धिक निर्णय लेने की प्रक्रिया से वंचित रखने का प्रयास जारी है। बहुत सारी महिलाएं बहुत ही सक्षम होती हैं, बहुत ही तेज तर्रार होती हैं पढ़ने में, फिर धीरे धीरे जब वो देखने लगती हैं ना समाज में महिलाओं का क्या स्थान है, कितनी भी तेज तर्रार हो 12 पास करने के बाद तो शादी ही करनी है, तो उनकी न कहीं इच्छाएं टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं, वो बस जिंदा रहती हैं पर जीवन की जो इच्छाएं होती हैं, जो बनने की इच्छाएं होती हैं, वो खत्म हो जाती हैं। क्या महिला आरक्षण विधेयक का पास न होना पाना वास्तव में महिलाओं के विशिष्ट समाजीकरण उसकी पुरुष द्वारा की गई व्याख्या में निहित है? देखा जाए तो महिलाओं के सबलीकरण के यथार्थ को न को उनके समाजीकरण की विसंगतियों के आधार पर ही समझा जा सकता है। इस समाजीकरण में महिलाओं के शरीर पवित्रता पवित्रता के संदर्भ महिलाओं द्वारा प्रयुक्त किए जा रहे प्रतीक विवाह पूर्व विवाहित विधवा के रूप में बच्चों के जन्म पालन पोषण रसोई में उनकी भूमिका ससुराल पति के बारे में दृष्टिकोण भाषा के प्रयोग विभिन्न व्यवसायों से जुड़ी महिलाओं यौन संबंधों के सवाल पोशाक भोजन संबंधी आदतों आदि के बारे में बताते हैं और साथ ही यह भी बताते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। सोचिए इतनी सारी जिम्मेदारियां होती हैं, मतलब इतनी सामाजिक कुरीतियां सामाजिक दबाव के बाद भी इतनी जिम्मेदारियां वो जिंदगी भर जीती हैं, फिर भी लोग तमाम तरह के प्रश्नों के माध्यम से उनके मतलब स्वतंत्रता पे सवाल उठाते हैं। अरे ऐसे कैसे हंस दिया, ऐसे कैसे चल रही, ऐसे प्रतिक्रिया कैसे दे दी? सही से बताइए ना, आप गुलाम बनाना चाहते हैं? यदि आप गुलाम नहीं बनाना चाहते तो ये स्थिति नहीं होती। क्यों आज हमारे देश में कोई झांसी की रानी नहीं है? क्योंकि झांसी की रानी बनने के लिए पहले वैसा पिता बनना पड़ेगा, वैसी माँ चाहिए। समाज उस समय का भी बहुत गंदा था, पर उस समय का जो पिता थे, जो झांसी रानी के जो पिता रहे होंगे महान रहे होंगे, जो रजिया सुल्तान के पिता रहे हैं वो महान थे। बाप चाहे तो कुछ भी कर दे, और माँ का भी तो बहुत बड़ी भूमिका है। जुड़ी सभी महिलाओं का समाजीकरण ऐसे ही किया जाता है और उन्हें सभ्यता और संस्कृति की व्याख्या का भाग बनाया जाता है, क्योंकि इन्हें सहेजने की जिम्मेदारी महिला को सौंपी गई है। अगर ये सभी व्याख्याएं और निर्धारण पुरुष करे तो सबलीकरण कैसा? सबलीकरण वही कह रहा है कि मतलब यदि सारी चीजें आज भी पुरुषों के माध्यम से किया जाएगा, पुरुष ही डिसीजन लेगा क्या करना क्या नहीं, तो वहां आप नहीं कह सकते हैं कि नहीं वुमेन एम्पावरमेंट बहुत अच्छा चल रहा है, सशक्त हो गई हैं, सबल हो चुकी हैं, ठीक है, कैपेबल हो चुकी हैं। कुछ नहीं है यार, समाज में जैसे ही आओगे ना वास्तविकता पता चलने लगती है। अभी कुछ समय पहले गुवाहाटी हाई कोर्ट ने एक पति द्वारा दायर तलाक याचिका के मामले में कहा कि अगर विवाहिता हिंदू रीति रिवाज के अनुसार मंगलसूत्र चूड़ियाँ और सिंदूर लगाने से इनकार करती है तो यह माना जाएगा कि विवाहिता को शादी स्वीकार है, यह किस तरह का तर्क है? सोचिए ऐसे ऐसे लोग हैं, मतलब ये लोड नहीं देखते हो। अगर एक महिला प्रोफेशनल तरीके से किसी कंपनी में जॉब कर रही है तो हो सकता है उसको आने जाने में प्रॉब्लम हो, पहनने में, ये सारी चीज़ें जो नहीं करना चाहती है, तो ऐसे में मतलब आप डिसाइड करोगे कि नहीं वो शादी से इनकार कर दी है। आज शहरों में चले जाइए, लड़कियां जो कान में नहीं पहनते हैं झुमके उमके नाक में पहनते हैं वो सब नहीं करवा रही हैं, तो मतलब आप बताएंगे कि कैसे जीना है? हम लोग तो जानवर हैं ना, आप बताएंगे? हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में इस तरह का कोई तर्क नहीं दिया गया है कि पत्नी द्वारा इन प्रतीकों का प्रयोग न करने पर विवाह को अवैध माना जाएगा। तो फिर इस निर्णय का आधार क्या है? मैं आपको बता दूं, ये कभी कभार जो जुडिशियरी है ना, मेरे को लगता है बस ऐसे ही बनाया गया है।
जिन बातों को समाज के सामने, देश के सामने रखना चाहिए वो नहीं रख रहे हैं। शिक्षा का अधिकार दुनिया चिल्ला रही है, महिलाओं को तो फ्री ऑफ कॉस्ट कर देना चाहिए, जीवन भर कोई भी शिक्षा ग्रहण करें, तभी क्रांति आएगी, तभी परिवार के लोगों की सोच बदलेगी। बाप जो है, जो उनके पिता, वो प्राथमिकता देंगे लड़कियों को, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट करिए, 1 रुपये की पढ़ाई नहीं होनी चाहिए, सब फ्री करिए महिलाओं के लिए। शिक्षा का जो रूप होना चाहिए दोस्तों, वो व्यवसाय नहीं होना चाहिए, जो आज व्यवसाय बन के रह गया है। डॉक्टरी करना है, 10 लाख 12 लाख जमा करो, मध्यम वर्गीय परिवार बनेगा? कभी नहीं बनेगा। बनेगा भी तो भाई कहेगा खेत तो बेचेंगे, अपनी बेटी को पढ़ाएंगे, पहली प्राथमिकता होगी, महिला को नहीं पढ़ाएंगे। तो ऐसा ना किया जाए। ओह माय गॉड, वेट। दूसरा उदाहरण, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के अनुसार पुत्री को पिता की संपत्ति में अधिकार नहीं था। वर्ष 2005 में संशोधन के बाद उन्हें यह अधिकार मिला, पर इस शर्त के साथ कि वह अधिकार केवल 2005 के बाद जन्मी पुत्रियों को होगा। वर्ष 2015 में पुनः इस निर्णय को संशोधित किया गया और सभी पुत्रियों को पिता की संपत्ति में अधिकार दिया गया, जिसे अनेक चुनौतियों के बाद ही हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकृति दी है। स्त्री को अपने किसी भी अधिकार के लिए हमेशा संघर्ष क्यों करना पड़ता है? सही भी है। तो जो कहा, संघर्ष क्यों करना पड़ता है? क्यों करना पड़ता है? इसलिए सदियों से जो हम एक प्रेशर डालते चले आ रहे हैं ना, दैट इज वाई, यही कारण है। शिक्षा का अधिकार, बराबरी का अधिकार, जीवन साथी चुनने का अधिकार, नौकरी करने या न करने का अधिकार, संतान पैदा करने या न करने का अधिकार, विवाह करने या अविवाहित रहने का अधिकार, यहाँ तक कि अपनी ज़िंदगी को अपनी मर्जी से जीने का अधिकार, अपना भविष्य तय करने का अधिकार, क्या ये सब अधिकार महिलाओं के व्यक्तिगत का हिस्सा बन पाए हैं? अगर नहीं, तो फिर कैसा सबलीकरण? इन सभी सवालों पर महिलाओं की आलोचना या महिलाओं का संकोच उनके अराजनीतिक और असंगठित होने का सबूत कहा जा सकता है। महिलाओं की स्वतंत्रता, उदारता, समानता और खुलेपन को परिवार और समाज विरोधी मान लिया जाता है। इसलिए सिमेन द बोवा तर्क देती हैं कि महिलाओं को स्वतंत्र परिवेश से पृथक रखा जाता है और निर्भरता से जीवन में संतुष्टि मिलती है का विचार महिला की चेतना का हिस्सा बन दिया जाता है। परिवार, पति, बच्चे, कपड़े, रसोई पर तो उसे चर्चा करने का हक है, पर इस दायरे के बाहर का विश्व उसके चिंतन का विशेष क्षेत्र नहीं हो सकता। सब्जी में क्या बनाना है, चटनी में क्या पीसना है, ये सारी स्वतंत्रताएं अधिकार दी गई हैं, पर जो जीवन का प्रश्न है, जो स्वतंत्रता का पक्ष है, जहाँ पे महिला थोड़ा स्वतंत्र होके देश दुनिया को भी कुछ दिखाना चाहती है, उसमें भी दमखम है। ऐसा काम तुम कहाँ कर सकती हो? पुरुष समाज ने हमेशा महिला को अधीनस्थ बनाया है, जिसे समाप्त किए बिना महिला सबलीकरण का रास्ता कठिन है। वर्तमान दौर में ज्ञान शक्ति है का तर्क यह संकेत देता कि महिला को भी ज्ञान के क्षेत्र में इतने गहरे उतारना होगा कि वह न केवल हर तरह के भय का सामना कर सके, बल्कि इस सभ्य कहे जाने वाले समाज में एक विष्ट, एक शिष्ट जीवन भी जी सके। मुझे बड़ी समस्या होती है जब मैं 3 तलाक को लेकर बात करता हूँ। देखिए, हिंदू रीति रिवाजों में भी तमाम तरह की समस्याएँ हैं और रही हैं, पर उनका धीरे धीरे निदान हो रहा है। धीरे धीरे जो महिलाएं शिक्षित हो रही हैं, अपने हक के लिए लड़ रही हैं इस समाज से, इस संविधान से, इस देश से। पर मुझे शर्म तब आई जब बड़े बड़े मौलवी कहे, नहीं, फलाने किताब में लिखा गया है कि महिला का हलाला होगा, महिला का 3 तलाक होगा। अबे, तुम किताबों के माध्यम से किसी के जीवन की रूपरेखा बदलोगे? ऐसी किताब को जला देना चाहिए, ठीक है, चाहे हिंदू के रिवाज में, चाहे सिख हो, किसी का भी हो। ज्ञान की शक्ति द्वारा ही महिला न केवल अपने शोषण से मुक्ति पा सकती, बल्कि शक्ति संबंधों में भी अपना स्थान सुनिश्चित कर सकती है, और तभी बराबरी का समाज उभार ले सकता है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।